इतनी मिट्टी सी जम गई है ना इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, हर सब कुछ आता रखे। इसी दुआ के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। आज मैंने कहा जरा किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जी खुली मिट्टी आती है ऊपर से, तो ये जो कट से बने हुए ना इसमें इतनी जम जाती है ना, इसको फिर गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है। लकड़ियां बुझा के मैंने यहाँ रख दी थी, मैं क्या कोई चिंगारी हो सकती है अंदर, फौरन जो है ना दूसरी लकड़ियों के साथ इनको नहीं रखना चाहिए। इकबाल साहब से बोला था कि नलकी ला दें और पेपर पट्टी और लैस और मगजी वगैरह तो ला के इधर आ गई, देखती हूँ अभी। अच्छा ये मेरा सूट है, तो इसके से ना ये छोटा सा फूल था उसके साथ मैंने मैच करके मंगवाई है, ठीक ही है, सेम टू सेम कभी कभी नहीं भी मिलती, लेकिन ये नहीं सही। ये देखें ये इकबाल साहब ठीक नहीं लेके ना, कलर इतना हाथ से मैच नहीं हो रहा। ये मैं फातिमा की शर्ट सिलाई करनी है, वो मेरा सूट है, अपने भी मैं मगजी लगाऊंगी, और मैं फातिमा की लैस बोला था लेकिन कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, जब काट के दे देते हैं फिर वापस भी नहीं देते। साग का एक बॉल रह गया था, एक बॉल रह गया था जी साग का, उस दिन मैंने चार बॉल बनाए थे तो एक बचा हुआ था, तो मैंने कहा आज यही कर लेते हैं, और ये अभी फिलहाल तो बर्फ बना हुआ इसे निकाल कर रख देती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, जैसा देर था कल जो हलवा बनाया था जी वो मैंने इधर देसी में डाल के रख दिया था इस तरह से, तो ये हमारे कोई हफ्ता दस दिन चलेगा ना। बच्चे स्कूल से आए तो कहते हैं मामा हलवा ही दे दे, वैसे भी बेचारे जब आते हैं स्कूल से तो टाइम उनके पास कम होता है, नमाज भी पढ़नी होती है और तीन बजे ट्यूशन भी पहुँचना होता है, तो इसलिए कहते हैं कि रोटी रहने दी हमें हलवा दे दें ताकि हम जाएँ, तो अभी बच्चों को हलवा दे देते हैं जी। ये थोड़ा सा ना इस तरह से सख्त हो चुके हैं, ये देखें क्रंची सा हो गया ना। एक मेरी सिस्टर है जी बड़ी प्यारी माशाल्लाह सी, वो मेरी वीडियो देखती होती हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक कमेंट किया था कि आपने शाहजेब का मुंह खुद नहीं धोया पर वैस का आपने खुद मुंह धोया। असल में शाहजेब अपनी बहुत केयर करता है और वैसे भी वो बड़ा है, इनमें माशाल्लाह चार साल का डिफरेंस है, सिर्फ ये है कि किसकी हाइट ज़रा अच्छी है इसलिए दोनों बराबर ही लगते हैं। हैदर साहब को ना मट्टी से बड़ा प्यार है, कुछ ये मट्टी में खेलता है और अपने घेर ये कम ही करता है, इसलिए फिर इसका मुझे खुद धोना पड़ता है। मैं तो जानती हूँ कि ये भी जल्दी जल्दी से आना हो जाए, पर ये भी अपना हाथ में खुद धोया करे। लकड़ियाँ मैंने डाली थी जी यहाँ पे धूप में, तो एकदम से ना मौसम खराब हो गया, धूप खत्म हो गई, तो मैंने कहा इनको उतार लेती हूँ, कोई फायदा कोई नहीं हुआ डालने का। मैं के पापा जी ये मुझे काट ही देना जरा, हैं इस तरह की आ रही कटी हुई नहीं, चलो ये उनसे आग नहीं जलती है, नहीं मोटी मोटी ये पकड़े ना ये कट जाएंगे ना जैसे से फिर आसानी से आग लग जाती है, बस ये बाद में कर रहा हूँ फिर आगे काटते हैं। शाहजेब के स्कूल से मिलती है ये वाली नींबू, ये सेवैयां से बनी होती है, तो महक फातिमा कह रही है मुझे भी दो, तो कहता है कि लाओ 20 रुपए, तो 20 रुपए की आपने कितने की ली थी? 40। तो आज खा ली ऐसे तो नहीं कहते ना आपकी बहन ही असल में फिक्स खर्चा मिलता है ना, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया जाए, जब कमाओगे फिर तो बहन को दिया करो देना, चलो इसमें से 20 रुपए लेके हम तो वापस लेके गया, ये अब मैं की होगी ठीक है।
बाद साहब ने सारी काट दी। अब ये कि मैं धूप में रखूंगी ना तो ये फिर जल्दी सूख जाएगी। आ रहेगी आप रखते जो मैं आपको देती हूँ। चलो आप मुझे तो मैं रखती देती हूँ। आज जी एकदम ना शदीद सर्दी हो गई है। दिन में अच्छी ऐसी धूप निकली थी तो जोर के बाद ना एकदम से मौसम खराब हो गया। पानी ले आए जरा ताजा, मैंने कैन धो दिए। मैं सोच रही थी कि आज ना थोड़ा सा ही काम है, सिर्फ साग को तड़का ही लगाना है, तो आज ना किचन में खड़े खड़े कर लूंगी। लेकिन इकबाल साहब कहते हैं कि नहीं भाई आग जलाओ, आज बड़ी ज्यादा सर्दी है तो हम भी इधर ही बैठेंगे, आग के करीब बैठ के खाना खाएंगे सारे। किचन में जा रही अभी असर का टाइम है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि शाम होने वाली है। ऐसे एकदम से ना लगता है जैसे बाहर ना काफी धुंध पड़ गई होगी। ज्यादा सारा मैंने अदरक ले लिया जी, तो अभी मैं इसको कूट लेती हूँ। मैं सिर्फ अदरक का ही तड़का लगाती होती हूँ। लोग ना मैं टमाटर भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, पता नहीं क्या कुछ डाल के ना पूरा प्रॉपर मसाला भून के तो तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अदरक लगाती हूँ। हरी मिर्ची मैंने ज्यादा सारी पहले उबालते वक्त डाल ली है। लकड़ियां बहुत गीली हैं वैसे। चलो आज काटी है ना देसी से, तो अब धुंध पड़ने लग जाएगी, ये सूखनी नहीं। चलो इनको रात शाम को ना अंदर रख लेंगे ताकि रात को जो ट्रेन वगैरह पड़ती है उससे गीली ना हो जाए, नमी जरा पड़ती है, दिन में धूप निकलेगी फिर बाहर। अभी तक ये पिघला नहीं है, सर्दी थी ना, मैंने मुझे 4 घंटे हो गए निकालने में, तो अभी वैसे की वैसे बर्फ जमी हुई है। आज इतनी शदीद सर्दी, ये देखें पूरा पीस ऐसे ही बिस्मिल्लाह ऐसे बॉल छपा हुआ, ये देखें जी इस कदर बर्फ जमी हुई है कि मेरा घी भी जो है ना वो चूल्हे पे पड़ा हुआ जमना शुरू हो गया। ये देखे घी भी जम रहे हैं। इकबाल साहब और बच्चे चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने और मेरा साग अभी तक पिघल नहीं रहा। देखिए आंच इतनी तेज है कि दूसरे चूल्हे से पीछे से भी जा रही है, मगर साग अभी टाइम ले रहा है, तो मैंने मगर अभी नमाज का टाइम ही पता कम होता है, तो इसलिए मैं जान माज इधर ही ले, मैंने कहा यहीं पे ना मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी बिखरे रहे, फिर कोई बिल्ली विल्ली भी आ जाती है। इकबाल साहब को सूरज वाकया जुबानी याद है इसलिए वो पढ़ते रहते हैं जुबान से, तो मैं जरा ऊपर से देख के पढ़ती हूँ, इसलिए इकबाल साहब ने पढ़ते पढ़ते मेरा साग भी भून दिया और दवा भी रख दिया। मेहरबानी जी अभी मैं रोटियां बना के दे दूंगी। चलो ठीक आप इधर आ जाओ। वाह जी वाह रोटियां पक गई हैं।
हाँ जी मैंने सोचा बेगम के आने तक एक रोटी बनाता हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब, भूख बड़ी लगी थी इसलिए। पार्लर में कोई औरत आ गई थी तो मैं उससे मिलने गई 2 मिनट के लिए। ये किस मुल्क का नक्शा बना? ये नक्शा नहीं, रोटी ठीक है, सही है। चलो ठीक है, खुद ही खानी। हाँ खुद खा लेंगे, चले जल जाएगी जल्दी कर। ये फूल सड़ गए, ये देखें जी पाल साहब की रोटी है माशाल्लाह। चले कोई नहीं, गुजारा मुजारा तो कर ही लेंगे ना। सर्दियों के दिनों में हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब कभी कोई पार्लर पे कस्टमर आ जाए तो बाजार की हम खाते कोई नहीं, बड़ी मुश्किल लगती है बाजार की खानी। तो फिर बात कर तो बच्चे भूखे से हो जाते हैं। जब तक इस तरह की सर्दी ना आए तो सर्दियों का मजा भी नहीं आता। जब तक इस तरह की सर्दी ना आए चादरें तो पता भी नहीं चलता। अच्छा खाना खा के चाय भी इधर ही बना लूं मैं। ठीक है जी, फिर आप हमें इसके साथ इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, रात भी काफी हो गई है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। गर्म अंडे वाला भी आ गया, गर्म अंडे ये सब बहुत महंगे है ना। ये कीड़ा